आज का सवाल है, ब्रह्मांड के बाहर क्या है? हमारा ब्रह्मांड किस में फैल रहा है? आपके मन में भी कभी ना कभी यह प्रश्न आया होगा कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। साइंटिस्ट जानते हैं बिग बैंग के बाद से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह विस्तार किस में हो रहा है? किसी भी साइंटिस्ट से आप यह प्रश्न पूछ लें, लेकिन आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। इस प्रश्न का सबसे छोटा उत्तर है कि यह एक निरर्थक प्रश्न है। ब्रह्मांड का किसी में विस्तार नहीं हो रहा है, केवल ब्रह्मांड का ही विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड की परिभाषा है कि वह सब कुछ को समेटे हुए है। यदि ब्रह्मांड के बाहर कुछ है तो वह भी ब्रह्मांड का ही भाग है, और उसके बाहर जो है वह भी ब्रह्मांड का भाग है, और उसके बाहर जो है वह भी ब्रह्मांड का भाग है। आप पूछते जाइए, उत्तर ब्रह्मांड ही मिलेगा। मैं जानता हूँ यह आपके लिए संतोषजनक उत्तर नहीं है। इसके लिए आइए कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट। चलो मान लेते हैं कि इन्फिनाइट सबसे बड़ी संख्या है। तो अब बताइए, अगर मैं इन्फिनाइट में प्लस वन कर दूं तो क्या होगा? तब आपका जवाब क्या होगा? तो भी आपका जवाब इन्फिनाइट ही होगा, अर्थात अनंत से बड़ी संख्या भी अनंत ही होगी। इसी तरह ब्रह्मांड के बाहर जो कुछ भी है वह ब्रह्मांड ही है, या उसको भी ब्रह्मांड ही कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड भी अनंत है। ब्रह्मांड के बारे में दो संभावनाएं हैं। पहली कि वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी संभावना है कि ब्रह्मांड सीमित है, सीमित आयतन में है। लेकिन दोनों ही संभावनाओं में ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, या कोई सिरा संभव ही नहीं है। जब भी हम बिग बैंग की घटना की कल्पना करते हैं, तब हम एक महाविस्फोट की कल्पना करते हैं, जिसमें एक बिंदु से मैटर को बिखरते हुए दिखाया जाता है। लेकिन यह उदाहरण सही नहीं है। बिग बैंग का अधिक सही उदाहरण किसी फूलते गुब्बारे की तरह है। इस उदाहरण से आप त्रिआयामी गुब्बारे के बारे में न सोचकर द्विआयामी गुब्बारे के बारे में कल्पना करें। यदि आप किसी विशालकाय गुब्बारे की सतह पर चलती चींटी हैं और वह गुब्बारा समस्त ब्रह्मांड है, तब आपको अपने पैरों के नीचे वह गुब्बारा सपाट ही लगेगा। अब मान लीजिए कि वह गुब्बारा फूल रहा है। अब आप किसी भी दिशा में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह अन्य चींटियां आपसे दूर जा रही हैं। वे जितनी ज़्यादा दूर हैं, वे आपसे उतनी ही तेजी से दूर जाते हुए दिखाई देंगी। यह गुब्बारा आपको सपाट सतह जैसा लगेगा, लेकिन आप किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे तो आप अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विस्तार करता हुआ वृत्त या गोला, और यह वृत्त किसी चीज में बढ़ रहा है। लेकिन यह प्रश्न निरर्थक है। ऐसी कोई दिशा नहीं है कि आप उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें और सतह के बाहर पहुंच जाएं। चींटी का द्विआयामी मस्तिष्क किसी त्रिआयामी वस्तु के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। गुब्बारे का केंद्र हो सकता है, लेकिन उसकी सतह का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। वह एक ऐसा आकार है जो हर दिशा में फैल रहा है और अपने आप में सिमटा हुआ है। आपकी इस गुब्बारे की हर परिक्रमा पिछली परिक्रमा से बड़ी होगी, क्योंकि गुब्बारा फूलते जा रहा है। अब इसे अपने ब्रह्मांड से जोड़कर देखते हैं। उसके लिए हमें एक आयाम से दो आयाम, और दो आयाम से तीन आयाम, और तीन आयाम से चार आयाम में सोचना होगा। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसी भी दिशा में यात्रा प्रारंभ करें, आप अपने शुरुआती बिंदु पर वापस पहुंच जाएंगे। यदि आप अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देख रहे हैं, तो आप अपने सिर के पीछे का भाग देख रहे हैं। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे आपको ब्रह्मांड की परिक्रमा का प्रारंभ बिंदु पर पहुंचने में हर बार पिछली बार से अधिक समय लगेगा। लेकिन आप किसी भी दिशा में यात्रा करने पर आप ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते। यदि आप प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर रहे हैं, तब भी आप अपने प्रारंभिक बिंदु पर शीघ्र पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा पाएंगे। हम हर दिशा में अपने से दूर जाती हुई आकाश गंगाओं को देखते हैं। वह किसी फूलते गुब्बारे की सतह पर बैठी हुई चींटियों को अन्य चींटियों से अपने दूर होते जाने के समान ही है। शायद अब आपको लग ही गया होगा कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। ब्रह्मांड का विस्तार किस में हो रहा है? ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, उसका किसी भी वस्तु में विस्तार नहीं हो रहा है, केवल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।